नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश मौर्य आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। जी हाँ, हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट। गाजीपुर से माझीघाट तक बनने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज, और जानेंगे जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और भी लेटेस्ट अपडेट हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जी हाँ, गाजीपुर से माझीघाट तक बनने वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जंगीपुर से होकर गुजरेगा और मोहम्मदाबाद होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को क्रॉस करेगा। जिले के दो तहसील मोहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र में पड़ने वाले भूमि का अधिग्रहण का कार्य जो है वो शुरू हो चुका है। अक्टूबर माह तक जमीन अधिग्रहण का कार्य जो है वो पूर्ण कर लिया जाएगा। करीब 118 किलोमीटर की लंबाई में बन रहा है जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। माझीघाट तक बनने वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे या एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ ही बिहार के रिविलगंज बाईपास से जुड़ेगा। आप लोगों को बताते चले कि वाराणसी गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से जंगीपुर के पास से इस एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाएगा। यहीं से यह एक्सप्रेसवे शुरू होगा। कार्य पूरा होने के बाद इसे नेशनल हाईवे 31 घोषित कर दिया जाएगा। जंगीपुर से करीब 14 किलोमीटर आगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जुड़ेगा आपका ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जो कि देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है। भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। अगले महीने यानी कि सितंबर में टेंडर की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। जमीन अधिग्रहण का कार्य जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया शुरू हो चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा माझीघाट और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे को टच करते हुए जाएगा आपका माझीघाट, यानी कि आप लखनऊ एक्सप्रेसवे कनेक्ट होगा। आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट हो रहा है आपका माझीघाट, अर्थात पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से शुरू होकर के आप बिहार तक जा सकते हैं। गाजीपुर से माझीघाट तक बनने वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिसंबर से कार्य शुरू हो जाएगा और 2025 तक इस एक्सप्रेसवे को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। हाईवे के दोनों तरफ पेड़ पौधे की हरियाली होगी, इससे पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद पूर्वांचल के साथ ही बिहार के लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे को बनने के बाद में वाराणसी गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होते हुए लखनऊ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यह भी कहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कार्य जो है बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। जो 15 अगस्त को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना था वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी एक दो महीने का समय और लगेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को कंप्लीट होने में। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनने के बाद जहां कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी और वहीं पर औद्योगिक विकास को रफ्तार मिलेगी। यूपी के पिछड़े इलाकों में शुमार किए जाने वाले गाजीपुर और आसपास के ज़िलों में बेहतर रोड कनेक्टिविटी होने के बाद औद्योगिक विकास की रफ्तार तो तेज़ होगी होगी, और साथ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारों पर सरकार ने पहले ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का ऐलान किया है। उसी के साथ ही बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के भी आसपास इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में भी इसी तरह की कुछ योजना है। लिंक एक्सप्रेसवे का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, और वहीं पे जो माझीघाट तक 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनना है वहाँ पर भी औद्योगिक विकास की रफ्तार तेज़ होगी। इकोनॉमिक जोन वहाँ पर भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वहाँ पर भी इस तरह की सरकार की योजनाएं हैं। आगे चलकर के काफ़ी पूर्वांचल के क्षेत्रों का विकास होगा, देश की राजधानी और राज्य की राजधानी से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और उत्तर प्रदेश बिहार के आपस में भी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनने के बाद में। जैसा कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे माझीघाट तक बनेगा, गाजीपुर आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी कनेक्ट होगा माझीघाट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से, और आपका बलिया लिंक एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट रहेगा गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग।
जी हाँ, उससे के पास में ही जंगीपुर पड़ता है, तो जंगीपुर से ही आपका ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो कि निकल रहा है और बिहार तक जाएगा, एक बाईपास के द्वारा बक्सर से भी जुड़ेगा आपका ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो कि मांझी घाट तक जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जो है वो चालू हो चुकी है और इसका लक्ष्य रखा गया है 2025। जैसे ही कंप्लीट होता है, उत्तर प्रदेश और बिहार की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी जुड़ेगा, आपका गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी कनेक्ट होता हुआ जाएगा, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे भी कनेक्ट होगा। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे आप लोगों को बताते चले कि 3 एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो रहा है, हमने वीडियो पहले ही बना रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आई बटन पे भी हम लिंक लगा देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक लेटेस्ट अपडेट जो कि मांझीघाट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से संबंधित थी। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जैसे ही कोई आगे अपडेट आती है तो दोस्तों हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अपडेट देते रहेंगे। यदि इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक्सप्रेसवे से संबंधित लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा, और किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब तुरंत देंगे, आपको रिप्लाई मिलेगा। एक अपडेट और है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से संबंधित। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण 15 अगस्त के आसपास करने की चर्चा बहुत तेजी से चल रही थी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि 15 अगस्त को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो पाएगा, क्योंकि मेन कैरिजवे जो है वो 31 अगस्त तक पूरा हो पाएगा, तो इसलिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 15 अगस्त को उद्घाटन नहीं हो पाएगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।